मुरैना में मतदान के बीच गोलियां चली, पथराव, लोग बोले मंत्री के दबाव में पुलिस प्रशासन निरंकुश, वोटिंग से रोक रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी 230 सीटों पर शुक्रवार को मतदान हो रहा है। हिंसा की खबरें भी सामने आने लगी हैं। हाई प्रोफाइल सीट दिमनी विधानसभा मुरैना में गोलियां चल गई, पथराव भी हुआ, एक युवक गंभीर घायल भी हुआ। 3 से 4 लोगों की भी घायल होने की सूचना है। यहां सुबह पोलिंग बूथ 146 और 147 पर जबरदस्त हंगामा हुआ। मतदाताओं को रोकने टोकने पर दो पक्षों में पथराव हुआ। घायल हालात में प्रिंस तोमर नाम के युवक को अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि उसे छर्रे लगे हैं। पुलिस फोर्स ने पोलिंग बूथ से लोगों को खदेड़ कर स्थिति को संभाला। ग्रामीणों का आरोप है कि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इशारे पर गुंडागर्दी हो रही है, वे किसी भी तरह जीतना चाह रहे हैं। शासन निरंकुश हो चुका है, पोलिंग बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। हम जैसे तैसे वोट डालने गए भी तो पीटा गया, कपड़े तक फाड़ दिए गए। दिमनी से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से रविन्द्र तोमर उनके मुकाबले में है। पुलिस बोली फायरिंग नहीं हुई, पुलिस फायरिंग की बात से इनकार कर रही है। एडीएम सीबी प्रसाद ने कहा कि फायरिंग नहीं हुई है, वोट सभी डाल रही हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है, कोई किसी को वोट डालने से नहीं रोक सकता। एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों तरफ के घरों के बीच किसी बात को लेकर कुछ विवाद है, अनावश्यक तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश कुछ लोगों के द्वारा की गई है। हम जब यहाँ आए तब यहाँ कुछ लोग खड़े थे जो हमें देखकर भाग गए। यहाँ घरों को भी सर्च किया जाएगा। भिंड में प्रत्याशी को घेरा, गार्ड ने फरार किया। भिंड के मेहगांव विधानसभा के मानहड़ गांव में बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला को हमलावरों ने घेर लिया। हमलावरों से बचाने के लिए गार्ड को हवाई फायर करना पड़ा। महू में वोटिंग के दौरान तलवारबाजी, दो घायल। इंदौर जिले के महू में वोटिंग के दौरान तलवारें चल गईं। घटना बटगोंदा थाना क्षेत्र के मांगलिया गाँव की है। घायल दयाराम ने बताया कि वह वोट डालने गया था, पोलिंग बूथ पर ही ऋतिक बीरबल डावर आए और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने का कहने लगे। विरोध करने पर तलवार से हमला किया। घटना में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है। हमला करने वाले जनपद उपाध्यक्ष बीरबल डावर के परिवार से ही हैं। नकुल नाथ को बूथ में जाने से रोका, कहा सुनी। छिंदवाड़ा में सांसद नकुल नाथ को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मतदान केंद्र में जाने से रोक दिया। इस बात पर हंगामा हो गया। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे ने उन्हें वार्ड 25 बरारीपुरा के बूथ 25 के अंदर जाने नहीं दिया। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ के पिता कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी हैं, बीजेपी से विवेक साहू कैंडिडेट हैं। नकुल नाथ का कहना है कि उन्हें बूथ पर महिला से अभद्रता की शिकायत मिली थी, इसलिए वे वहां पहुंचे थे। विजय पांडे का कहना है कि सांसद बहुत सारे लोगों को अंदर ले जा रहे थे, इसलिए रोका। छतरपुर में कांग्रेस पार्षद की हत्या, छतरपुर के राजनगर में कांग्रेस पार्षद की हत्या हो गई। स्थानीय कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक विक्रम सिंह नाती राजा ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए हैं। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सलमान खान खजुराहो नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 6 से पार्षद थे। विधायक विक्रम सिंह नाती राजा ने बताया कि मैं खुद प्रत्यक्ष दर्शी हूं। थाने में फरियाद लेकर पहुंचे विधायक पूरा वाक्य बताते हुए रोने लगे। वहीं भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया ने कहा कि ये नशे में थे, इनकी गाड़ियां टकरा गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसका दोषी मुझे ठहरा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।